गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर द फ्रॉम इंट्रोडक्शन अबाउट जूलॉजी. द इन दिस क्लास और इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी. दैट मीन्स व्हाट आर द ब्रांचेस विच विल बी रिलेटेड टू द जूलॉजी. द फर्स्ट वन इज द एपिकल्चर. The first branch is known as apiculture. There are several branches are there, but we have discussed about some few branches of the important branches that will be applied in the zoology. The first one is the apiculture. So what is apiculture? It is nothing but it is the study of production. It is the study of production and economy. Economic importance of honey. It is the study of production and economic importance of the honey. That means the production of the honey or from the honeybee. The process by which the production of the honey takes place from the honeybee is known as apiculture. The next branch, the next applied branch of the zoology is the animal husbandry. Okay, the next branch is the animal husbandry. In the animal husbandry, we have studied. It is the study of what is the animal husbandry. The animal husbandry, it is nothing but it is the study of the domestication, breeding and rearing of the different. Okay, what is animal husbandry? It is nothing but it is the study of domestication, breeding and rearing of the different animals. So dekho kon kahla, what is the meaning of the domestication, breeding and rearing of different animals. Dekho eta mu kahi douchi kon ehar meaning. Domestication, डोमेस्टिक एनिमल्स मानू आम पोषा. डोमेस्टिकेशन मान कौन किसी ना इन ओडिया इट इज कॉल्ड पोषा मान से पालन करवा है. एनिमल्स मानूटा कह जाए डोमेस्टिकेशन. नेक्स्ट वन इज द ब्रीडिंग. इट इज अदरवाइज नोन एज प्रजनन. इन ओडिया इट इज नोन एज प्रजनन. ओके, तो कौन कहला आमर domestication means poshiba, breeding means prajanana and rearing means nothing but palana poshana kariba. Okay, dear friends, it is nothing but these are the definitions. We can easily remember it. It is nothing about to worry about this. What is animal husbandry? It is nothing but it is the study of एहा पढ़िबा का विषय पढ़िबा different animals मानक ऊपर पढ़िबा सेमानक कोन ऊपर पढ़िबा सेमानक domestication किभले आमे सेमानक पोसिबा घर रखिबा सेमानक किमिति हमर breeding हबो प्रजनन. That means it is nothing but one type of reproduction. How the reproduction will be take place? Breeding and rearing माने पालन पोषण करिया सेमानक भलसे कोभले पालन पोषण करिया. ए विषय पढ़ाटा कौन बोली कह जाए एनिमल हजबेंडरी बोली कहुए. दिस इज द अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ द जूलॉजी. ओके, द नेक्स्ट ब्रांच इज सेरिकल्चर. इज द सेरिकल्चर. सो व्हाट इज सेरिकल्चर? इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म. It is the study of rearing of the silkworm.
देख पे कौन कहला व्हाट इज सेरिकल्चर इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ ता विषय पढ़ा रिअरिंग मुझे अलरेडी तुमको कहली रिअरिंग मैंने कौन भरण पोषण करवामी पालन करवा रिअरिंग अफ दि सिल्क वर्म सिल्क वर्म इट इज द वन टाइप अफ एनिमल बै विच वी कैन कलेक्ट द डिफरेन्ट टाइप अफ फैड फैड सूता जो पश्म पको बोली जो कहुए है सिल्क वर्म मान विषय से भरण पोषण हाउ दे विल बी कल्टिवेटेड एंड हाउ वी कैन डू द रिअरिंग दिज ऑल अबाउट टू आर ऑफ द soil zoology what is soil zoology it is nothing but it is the study of the organism which are present in the soil what is soil zoology it is the study of organism it is the study of organisms which are present in the soil. Okay, देखो पहले कौन कहला नेक्स्ट वन इज द सोइल जूलोजी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मानक विषय पढ़ा विच आर प्रेजेंट को ऑर्गेनिज्म माने जो ऑर्गेनिज्म माने कि हमर कौन अछि सोइल रे प्रेजेंट अछि लाइक स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम मल्टीसेलुलर स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एंट पिंपुड़ी से कौन रोज प्राय सोइल रे चलती है ना मैंने सोइल रे जो ऑर्गेनिज्म मान को आम देखा से विषय पढ़ाटा कौन बोले कहते सोइल जूलोजी बोली कहते इट इज द अनदर ब्रांच ऑफ द जूलोजी द नेक्स्ट वन इज द स्पेस बायोलॉजी स्पेस बायोलॉजी द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पेस बायोलॉजी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द आउटर स्पेस इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर स्पेस ओके तो कौन कहला देख पे नेक्स्ट वन इज द टर्म इज सोइल बायोलॉजी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर स्पेस लिविंग ऑर्गेनिज्म मान विषय पढ़ाटा आम कौन बोले कहते स्पेस बायोलॉजी कहते द लास्ट वन बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द फार्मेसी ओके तो व्हाट इज फार्मेसी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ It is the study of compounding it is the study of compounding and dispensing dispensing of the medicine okay is it the another branch which is the branch of the zoology eta madhe one branch of the zoology jota ka am kon bole kote pharmacy bole kote it is the one type of course madhe this is a course amar kon ache it is the study of eta am ka bisare porte compounding and dispensing of the medicine so sir what is compounding and dispensing it is nothing but how the medicines will be created and what are the ingredients what are used in our medicine to prepare a medicine so study of the different type of medicines like tablet capsules some intravenous injections how they will be made up of or how that different ingredients are used in this to prepare this is the study of compounding and dispensing of the medicine compounding or dispensing of the medicine this are padhi hatoga am kon bole kote pharmacy bole kote so these are the applied branches of zoology next we have discussed about the organism oriented branches organism oriented एबे देखिबा हमें कौन ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांच
माने आमर जो जुलोसर जो ब्रांचेस जाकर थिला से जो ब्रांचेस मान भीतर विभिन्न प्रकार देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल सो हाउ स्टडी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स व्हाट वी कैन टोल दैट से जो ऑर्गेनिजम मान विभिन्न ऑर्गेनिजम मान अछि से मान भीतर पढ़ियाटो कोन बोली कहा जे सेटा होछि एटा आसला फर्स्ट आसला ऑर्गेनिजम ओरिएंटेड ब्रांचेस रो फर्स्ट ब्रांच इज द प्रोटोजोलॉजी What is protozoology? It is nothing but it is the study of protozoa. Okay, so it is nothing but it is the study of protozoa or protozoans. Okay, so dekho pile kon kala? व्हाट इज प्रोटोजूलोजी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आमर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक विषय रे जो अछि तान गुड आमर ऑर्गेनिज्म अछि प्रोटोजोआ सो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ योर द प्रोटोजोआंस ऑफ द व्हाट प्रोटोजोआंस इज कॉल्ड एज प्रोटोजूलोजी द नेक्स्ट वन इज द वायरोलॉजी तुम आईडिया कर देखियो वायरोलॉजी माने कोन इट इज द स्टडी ऑफ ভাইরাস বিষয়ে পড়িবাটাকে আমি কোন বলি কোছে ভাইরোলজি বলি কোছে নেক্সট দা থার্ড ওয়ান ইজ দা এন্টোমোলজি হোয়াট ইজ এন্টোমোলজি ইট ইজ দা স্টাডি অফ ডিফারেন্স It is the study of different insects. বিভিন্ন প্রকার insects মানক বিষয়ে পড়িবাটাকে আমি কোন বলি কোছে entomology বলি আমি কোছে The next one is the ophiology. So what is ophiology? It is the study of It is the study of snakes. তো ইট ইজ দ্য স্টডি অফ স্নেক অফিওলোজি অফিওলোজি মানে কোন কলে আমি যদি স্নেক মানক বিষয়ে পড়িবাটাকে আমি কোন বলি কোছে অফিওলোজি বলি কোছে দ্য নেক্সট ব্রাঞ্চেস ইজ দ্য মামালোলজি হোয়াট ইজ মামালোজি ইট ইজ দ্য স্টডি অফ মামাল মামালস মানক বিষয়ে পড়িয়াটাকে আমি কোন বলি কোছে মামালোলজি ডিফারেন্ট টাইপ অফ মামালস যে কোন মামাল মানক বিষয়ে পড়িয়াটাকে আমি কোন বলি কোছে মামালোলজি বলি কইলি সো এগেইন আই ক্যান রিপিটেড দ্য ডিফারেন্ট অর্গানিজম রিলেটেড ব্রাঞ্চেস দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রোটোজোলজি ইন দিস কেস উই ক্যান স্টাডি অ্যাবাউট দ্য প্রোটোজোয়া নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য ভাইরোলজি স্টাডি অ্যাবাউট দ্য ভাইরাস নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য এন্টোমোলজি ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইনসেক্টস এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য অফিওলজি স্টাডি অফ দ্য স্নেক এন্ড দ্য মামালোলজি ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য মামালস Next, the sixth one, bacteriology. Bacteriology, study of bacteria. It is the study of bacteria. যদি আমি bacteria বিষয়ে আমি পড়ুছে তাহলে সেটা কোন বলে কোহাতে bacteriology বলে পাতে So these are the different type of organisms. Yes, so they are different organisms, na? So these are the different type of organisms which are interrelated or these are the oriented with the zoology or the biology. Okay, next we can discuss about the different organ-oriented branches. Okay, organisms are the most important thing. What are the different organ? Organ-oriented branches. So what is organ oriented branches the different type of organs anga udel kon likwa je anga hala ne so bibhinna prakara je amra different type of organs mana asanti is organ each and every organ samanako bisare padhiya taku each and every organs manako different term ase ta bisare padhiya taku kon likwa je that is the organ oriented branches
the first branch of the organ oriented branches is the cell. Okay, so cell bishare am padhi hata kon boli kuse cytology. The first branch is the it is the study of cell bishare padhi hata am kon boli kuse koso jada kuse that is called cytology. Next one is the histology. Histology kon it is nothing but it is the study of tissue. Tissue manako bisare padhiya ta kon boli kuha jae histology boli kuha jae. Next the different tapre asla histology par asla osteology. ऑस्टियोलॉजी देखो एक पूरा टर्म जब मन रखना पड़ेगा है ना बाध्य तो ऑस्टियोलॉजी इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ बोन हाड़ जोड़ा तुम बोन तो है ना बोन्स ऊपर पड़ेगा तो हम कौन बोले कहते ऑस्टियोलॉजी बोले कहते. नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोलॉजी पर असला ट्राइकोलॉजी. ट्राइकोलॉजी माने कौन इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन केस ऑफ गर्ल्स. तो समान गर्ल्स मान बहुत इंपोर्टेंट दिखा दी समान से जिस दा कौन से जिस दा दैट इज द स्टेट हला नहीं. ट्राइकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हेयर. हेयर ऊपर एक पढ़ बैठो हम कौन बोले कहते ट्राइकोलॉजी बोले कहते. नेक्स्ट वन इज द ट्राइकोलॉजी आफ्टर ट्राइकोलॉजी रिनोलॉजी आर एच आई एन ओ L-O-G-Y. What is renology? It is nothing but it is the study of nose. It is the study of nose. Nako vishare padhibata ko ghanandriya boli kuha jae jota ki ame smelling capacity mane ta pakhara jota ki ame sungi parche smelling smellness ta ame feel kori parche se vishare padhibata ko ame kon boli kuche renology. So what is renology? It is the study of the nose. Next one is that after rhinology dermatology. What is dermatology? It is the study of skin. Skin upare padhibata ko ame kon boli kouche dermatology boli kouche. Into what the dermatology in day to day life we can use the soap. आम सफ यूज करते लिखाई छो देखी छो लाइक डिफरेंट सफ लाइक डव है ना ये जो आम डव ए प्रकार सब मैंने सफ जाके लिखाई छो इट द बेस्ट रिकमेंडेड फॉर द डर्माटोलॉजिस्ट. डर्माटोलॉजिस्ट मैंने जो मैंने कि स्किन ट्रीटमेंट करती है ना स्किन डॉक्टर जो तुम कहते से डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं स्किन पढ़ाटा को आम कौन कहते डर्माटोलॉजी मीन कौन स्टडी. सो स्टडी ऑफ आवर दि स्किन इज नोन एज डर्माटोलॉजी. सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस. इम्यूनोलॉजी व्हाट इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनो तुम मैंने शुणी द वर्ड इम्यूनो आम देहर जो इम्यूनो सिस्टम मानते डिफेन्स मेकानिजम आम डिफेन्स करफेन्स करते फ्रम दि फॉरेन पार्टिकल्स मानक जो डिफेन्स करते मैंने जो द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एंटरिंग आवर बॉडी एंड कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस टू दि अर्थ द मेकानिजम व्हिच विल बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड इम्यूनो सिस्टम. That is the antibody and antigens can kill the antibody can kill the micro foreign microorganism. So it is kitchen. So immunology means what? This is the it is the study of the immune system or it is the study of the defense mechanism of our body. It is the study of defense mechanism of our body or it is the study of defense mechanism of the different parts of our body bali madhyo kahile chalibo. The next term is the hematology. Next part is the hematology.
व्हाट इज हेमाटोलॉजी ये जो हम जो कहली डिफेंस मेकानिजम जोड़ा कि एंटीबॉडी एटा कोठ प्रेजेंट होसे इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड सो द हेमाटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ ब्लड हला ब्लड माने कोन बोली पोसे आमे ओडिया रे रक्त हना नै तो व्हाट इज हेमाटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द ब्लड ब्लड विषय पढिबाटा आमे कोन बोली कहौचे हेमाटोलॉजी बोली कास कहौ नेक्स्ट आसला आमर टॉप कार्डियोलॉजी व्हाट इज कार्डियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इट इज द स्टडी ऑफ हार्ट हना नै मोस्ट इंपोर्टेंट नै हार्ट ता हां तो व्हाट इज कार्डियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हार्ट हार्ट विषय पढ़ाटा को टर्म टाक आम कौन बोली कहते कार्डियोलॉजी बोली कहते तो ये टर्म जाक कह माना दीज आर दि बायोलॉजिकल टर्म्स और जूलोजिकल टर्म्स है आम एम साइंस पाठ पढ़ुचे बायोलॉजी पढ़ा तो से आम कह सर स्टडी ऑफ हार्ट है ना मैंने हार्ट प्रॉब्लम अच्छी आम क्या पाखे मन कर गोटे बड़ बड़ हस्पिटल जावा से आम लिखाई नियो हार्ट डॉक्टर बोलिक आमे ये तो पचारि पारे हार्ट डॉक्टर बोली से जेहतु आम साइंस स्टूडेंट तो ये सब टर्म जाक आमको मन रखा पड़ो से हस्पिटल पचार कार्डियोलॉजिस्ट कहते डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं ना बोलिक ये सब टर्म जाक है जूलोजिकल और बायोलॉजिकल टर्म वी हैव टू रिमेम्बर इट ओके नेक्स्ट वन कार्डियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हार्ट नेक्स्ट वन इज द ओडोंटोलॉजी सो व्हाट इज ओडोंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ टीथ हला दांत विषय पढ़ाटा इट इज द स्टडी ऑफ टीथ दांत विषय जो आम पिला मिल्क टीथ परोनेल टीथ सब जो प्रकार टीथ उपर पढ़ाटा आम कौन बोली कहते ओडोंटोलॉजी बोली कहते द नेक्स्ट टर्म आफ्टर द ओडोंटोलॉजी इज द ओटोलॉजी ओटोलॉजी माने आमर जो तीन चकिया ओटो नुह है ना ओटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ ईयर इट इज द स्टडी ऑफ ईयर है ना ईयर माने कौन नाक ना कान ना है ना कान ओके तो कौन कहला ओटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ ईयर ईयर विषय पढ़ाटा आम कौन बोले कहते एंड्रोलॉजी व्हाट इज एंड्रोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय पढ़ाटा आम कौन बोली कहते एंड्रोलॉजी बोली कह जाए द नेक्स्ट वन इज द गायनोकोलॉजी नेक्स्ट टर्म गायनोकोलॉजी व्हाट इज गायनोकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके तो व्हाट इज गायनोकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज ऑल अबाउट योर different organ organ oriented branches or the different terminologies are completed